दीपिका को नहीं करना विशाल भारद्वाज की फिल्म में काम। क्या शादी की वजह से मिस पादुकोण ने लौटाया फिल्म का साइनिंग अमाउंट। वेल, खबरें तो कुछ ऐसी ही आ रही हैं। बॉलीवुड की गलियारों में इन दिनों चर्चा है कि दीपिका ने डायरेक्टर विशाल भारद्वाज की फिल्म सपना दीदी से कर लिया है बैकआउट। ये वही फिल्म है जिसमें दीपिका के साथ इरफान खान भी नजर आने वाले थे, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से इरफान ये फिल्म नहीं कर पा रही हैं और विशाल बिना इरफान के इस फिल्म को बनाना नहीं चाहते। खबरें हैं कि फिल्म की टीम इरफान के ठीक होकर वापस आने का इंतजार कर रही है। सोर्सेज की माने तो दीपिका ने फिल्म से बैकआउट कर फिल्म का साइनिंग अमाउंट भी मेकर्स को वापस कर दिया है, जिसकी वजह दीपिका और रणबीर की शादी को भी बताया जा रहा है। ये तो आप जानते ही हैं कि इस साल नवंबर में दीपिका रणबीर के साथ सात फेरे लेने वाली हैं। खबरें जोरों पर हैं कि दीपिका और रणबीर नवंबर में इटली जाकर शादी के बंधन में बन जाएंगे। बताया जा रहा है कि दोनों की फैमिली ने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। देखा जाए तो शादी में सिर्फ दो महीने का ही वक्त बचा है, ऐसे में दीपिका ने फिलहाल कोई भी फिल्म साइन नहीं की है ताकि वो अपनी शादी की प्रिपरेशन आराम से कर सकें। लेकिन इंटरनेशनल पोर्टल की माने तो इरफान ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करते हुए स्पीडी रिकवरी कर रही हैं, जिसका मतलब इरफान जल्द ही ठीक होकर वापस लौट सकते हैं। और जैसे ही इरफान वापस लौटेंगे वो अपने वर्क कमिटमेंट्स पूरे करेंगे, जिसमें सबसे पहले विशाल भारद्वाज की फिल्म सपना दीदी का नंबर है। लेकिन अब यही खबर दीपिका को परेशान कर रही है। इरफान की स्पीडी रिकवरी को देखकर ये अंदाजा लगाना आसान है कि इरफान जल्द वापस लौटेंगे, और अगर इरफान की वापसी इसी साल हो जाती है तो ऐसे में इरफान सपना दीदी की शूटिंग भी शुरू कर देंगे। उस वक्त दीपिका को फिल्म और शादी में से किसी एक को चुनना होगा, जो कि उनके लिए बेहद मुश्किल है। इसी परेशानी को दूर रखने के लिए दीपिका ने मेकर्स को साइनिंग अमाउंट भी वापस कर दिया है और अब दीपिका इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। ऐसे में फिल्म की शूटिंग अगर नवंबर में भी शुरू होगी तो दीपिका को कोई एतराज नहीं। हालांकि फिल्म छोड़ने के वक्त दीपिका ने विशाल से कहा कि जैसे ही इरफान वापस आएंगे वो भी फिल्म में वापस आ जाएंगी। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या दीपिका इस फिल्म में वापसी करेंगी या फिर उनकी जगह कोई और एक्ट्रेस इस फिल्म का हिस्सा बनेगी? ये तो खैर इरफान खान के लौटने और इस फिल्म का काम शुरू होने पर ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।